गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन के प्रिपरेशन पार्ट टू का वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं फ्रेंड्स आर्ट कल्चर के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोग पार्ट वन में देखा होगा, मैंने वहाँ पर 32 क्वेश्चन आर्ट्स एंड कल्चर से शेयर किया था, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 32 से 100 क्वेश्चन शेयर करूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक से जो भी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे जाते हैं उनको लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना टाइम न लॉस करते हुए आपको सीधे पॉइंट पे लेके जाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 32 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। और उसके बाद मैं बात करूँ अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जो है जैनमत जो है उनका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है अनेकांतवाद। इसके बाद मैं बात करूँ तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ बौद्ध सभा कब और कहाँ कहाँ बुलाई गई थी। इसके बाद मैं आपसे बता दूँ, पृष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। किसकी? पृष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। और निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो ये जो है आजीविकों ने निर्धारित किया था कि भाग्य ही सब कुछ करता है जबकि मनुष्य असमर्थ होता है इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद बता, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियुक्त त्यागराज आराधना त्यौहार, मतलब त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तंजादूर में। रासलीला, अयोसंग, लाई हरीबा आदि किस त्यौहार कहाँ के हैं? तो ये है मणिपुरी लोगों के त्यौहार हैं। इसके बाद मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो होता है फ्रेंड्स फरीदाबाद जिले में लगता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के लोग शोक के रूप में मनाते हैं, मतलब जो हिंदू धर्म का पर्व हो और थारू जनजाति के लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये दीपावली है जिसे थारू जनजाति के लोग शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो फ्रेंड्स चलिए, इसमें जो ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैलजीवी मेला, देवी धुरा मेला, और उसके बाद आपको तीसरा है गौचर मेला और गोंद मेला। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा, आंसर ये बी होगा, देख लीजिए, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, देवी धुरा मेला, मतलब दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की जो प्रथा है वो देवी धुरा मेला में है। और चलिए अब आगे मैं लेके चलता हूँ, 42 हो गया यहाँ से 43। तो देखिए, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला जो होता है राजस्थान में आयोजित होता है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान में है। आपको क्या होता है, राजस्थान में है आपको जल महल हवा महल दोनों जयपुर में है, और बहुत बहुत ही काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है जयपुर में, राजस्थान में। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ फ्रेंड्स एक और बात, विश्व का इकलौता ब्रह्मा मंदिर भी राजस्थान के अजमेर में है, और ये जो पुष्कर मेला आयोजित होता है ये राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। इसके बाद मैं बात करूं तो धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के रूप में मनाया जाता है? तो डांडिया त्यौहार जो है गुजरात में उल्लास के रूप में मनाया जाता है। और कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है किस राज्य में? तो फ्रेंड्स कोणार्क के बारे में आपको पता ही होगा, कोणार्क उड़ीसा में है। उसके बाद मैं बात करूँ एलोरा के बारे में, तो एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, इसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। काफ़ी VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, SSC में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। उसके बाद देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? तो ये जो राजा पूरनमल थे इनके द्वारा करवाया गया था। देवघर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स झारखंड में स्थित है देवघर मंदिर, देवघर। उसका माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है फ्रेंड्स वो जैन तीर्थकरों का को समर्पित है। ये माउंट आबू कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो राजस्थान में है। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद
मैं आपसे बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो दिल्ली का लाल किला है उसे किसने बनवाया था। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो फ्रेंड्स वो औरंगाबाद में है। उसके बाद कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य ने करवाया था। और झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। के बाद भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेदशाला का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई राजा जयसिंह जी ने करवाया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभर ने करवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, कहाँ पे है? तो राजगीर में है, बिहार के राजगीर में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जहां भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट का प्रक्षेपण करती है? फ्रेंड्स तो श्रीहरिकोटा में, ये श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद बात को विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, जो कहाँ स्थित है? तो चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित है। और एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्न से कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा कि पेरिस में स्थित है। शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारत में सबसे अधिक आर्य समूह के भाषा को लोग बोलते हैं, भारतीय आर्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको, फर्स्ट उर्दू है, दूसरा है संस्कृत, और तीसरा है आपको अंग्रेजी, और चौथा है नेपाली। तो फ्रेंड्स जो अंग्रेजी है उसको नहीं दी गई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो है भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत में टोटल कितनी भाषाएँ बोली जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हाल ही में प्राचीन भाषा क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई है? क्लासिकल लैंग्वेज किसे घोषित, कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो जम्मू कश्मीर ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिकतम बोली जाती है? तो बंगला बोली जाती है सबसे अधिक। और प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाई ओर से बाई ओर की साइड लिखी जाती थी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1972 में आरंभ किया गया था। उसके बाद संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो ईमेल है, सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फिर मैं बता ही देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किससे के आधुनिकीकरण से है? तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर के आधुनिकीकरण से है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स बिंबावती देवी जो है मणिपुरी डांस के लिए काफ़ी फेमस है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू नृत्य जो है मेघालय में प्रसिद्ध है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है राहुला नामक जो नृत्य होता है, और ये इस क्षेत्र, इस लोकल एरिया का डांस है। उसके बाद मैं बात करूँ संस्कृत शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी? सामवेद में शास्त्रीय संगीत की विवेचना की गई है, सामवेद में। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो प्रसिद्ध रोनू मजुमदार जो थे बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते थे। मधुबनी चित्रकला सेल का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है, मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
उसके बाद बात करूँ कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना से सहायता से प्रदान की गई है, तो जो फ्रेंड्स भारत और यूनानी है सभ्यता, इन्हें गंधार कला शैली की रचना की सहायता से प्रदान की गई है। उसके बाद किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, तो राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था अकबर के शासन काल में। बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है, टेबो मठ फ्रेंड्स, टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, फर्स्ट ऑप्शन शंकराचार्य, रामानंद और उसके बाद कबीर और चैतन्य, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। उसके बाद छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो सावन माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, कुंभ मेला का आयोजन भोपाल में नहीं किया जाता है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है, नागर के नाम से जानी जाती है। बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था, अशोक शासक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था जो बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है, हम्पी में अवस्थित है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी आपको कोलकाता में स्थित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। उसके बाद मैं बात करूँ सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अंगकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है, तो कंपूचिया कंबोडिया में स्थित है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, कहां पर फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, तो है फ्रेंड्स बोरोबुदूर, जगह है बोरोबुदूर जहां पे रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं इंडोनेशिया में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा फ्रेंड्स तमिल लैंग्वेज को दिया गया है। और भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। और कुरियर सेवा के से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया था, 1986 में। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा, केरल में स्थित होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा पोस्टल इंडेक्स जो होता है पिन का जो फर्स्ट अंक है वो आपको किसी भी स्टेट को के कोड को सूचित करता है, जैसे यहाँ पे 6 कोड जो होता है केरल के लिए होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही,